सभी से निवेदन है इस प्रोग्राम में बड़ा से बड़ा सहयोग था हम लोग विजय भाई साहब आए यहाँ पर इमरान केयर फर्नीचर वाले का बड़ा बड़ा सहयोग मिला हम लोग को इसलिए पाला भाई साहब पप्पू यादव जी का बहुत बहुत जोरदार सहयोग है वहाँ पर और त्रिपेश भाई साहब यहाँ पर आए नहीं वहाँ पर आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो भी त्रिपेश आए जहाँ से भी आए सबको धन्यवाद दो मिनट रुकिए आप लोग कार्यक्रम करने के बाद में कुछ दक्षिणा दिया जाता है सर तब कार्यक्रम सफल होता है जो दे रहा है वो हम कुछ अनुसरण एक वृक्षारोपण जरूर लगाएंगे परशुराम मास में सभी से एक वृक्ष का आशा करता हूँ मैं सभी लोग एक वृक्ष जरूर लगाएंगे जब पर्यावरण का शुद्धि होगा हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे आने माध्यम से ये जन्मदिन दिवस में बड़े धूमधाम से हम लोग मनाते हैं आप सबका सहयोग से बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है आगामी दिन मनाने की घोषणा कर रहा हूँ सभी सामने पूरे महानंदा नदी दोनों तरफ से 50,000 तीर से चलाया जाएगा आप सबका जय जोरदार स्वागत हो रहा है आप गंगा मैया की जय गंगा मैया की जय गंगा मैया की जय आनंद की जय जो भी दक्षिणा जो भी इच्छा देना चाहते हैं जो भी इच्छा दान पड़ी रखा गया है आपका कम बेसी जो भी बनता है अमाउंट फिगर नहीं है कुछ तो वो जान बाबा द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में आपका स्वागत है मैं पंकज बाबा आज ये जो महानंदा आरती हो रहा है गंगा मैया का इसके विषय में आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे मैं पंडित ध्रुवोपाध्याय सभी को सुबह से शुभकामना जय हो गंगे च यमुनेश्च चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी दलेश्वरं सन्निधिं कुरु सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहिरो देवी महानंदा नदी नमोस्तुते। जो महानंदा जो स्वच्छ महानंदा या महानंदा आरती सिलीगुड़ी में प्रथम बार सभी भक्त मिलकर के महानंदा स्वच्छ के लिए सभी मिलकर कर रहे हैं इसका बहुत बड़ा महत्व है। कोई भी व्यक्ति हम लोग हिंदुत्व में जो पूजा करते हैं अंत में पूजा का जितना भी सामग्री है मूर्ति हैं सब गंगा जी को ही पवित्र करते हैं। गंगा सारा देवी देवताओं को पवित्र करती है इसलिए गंगा जो है बहुत सालों तक भगीरथ राजा ने तपस्या करके भगवान शंकर के जटा में गंगा आई वहाँ से पृथ्वी लोक में गंगा आई है। इसलिए महानंदा जो सिलीगुड़ी के जो महानंदा जो नदी है ये भी गंगा में जाकर प्रवाहित होती है इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। महानदी हमारे शास्त्रों में हमारे भागवत भी आते हैं महानदी तरंगाणाम चिष्टा दिव्य नमो नम चिष्टा का भी नाम आता है महानदी का भी नाम आता है। इसलिए गंगा की आरती ऐसी जो चीज़ है कोई भी भक्त जितने भी पाप क्यों न करे सारा प्रयास चित्त को होने वाला एकमात्र कार्य है गंगा जी का पूजा गंगा जी का आरती। जो भक्त गंगा जी का आरती या महानदी का आरती करते हैं और एक ब्यादा था सारा जीवन भर उसने पाप किया पाप 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 उसके खाते में चित्रगुप्त ने देखा धर्म कहीं भी नहीं है पर दैव संयोग से क्या हुआ वो जो मर गया ब्यादा मरने के 10 दिन के भीतर में उसका हड्डी किसी कारणवश गंगा जी में पड़ गया उसके कारण वैकुंठ जलों से भगवान विष्णु आए विष्णु के दूत आए विमान लेकर के ले जाने के लिए और फिर जमराज के दूत पहुँचे
उन दोनों का लड़ाई हो गया। लास्ट में भगवान स्वयं विष्णु वैकुंठ लोक से आए, स्वयं जमराज जी आए, वार्तालाप हुई। अंत में भगवान विष्णु ने कहा, इसके जीवन भर पाप तो किया पर मरण के समय पर जो है गंगा गंगा बोला, इसका हड्डी गंगा में प्रवाहित हो गया, इसलिए इसको मैं लेके जा रहा हूँ। ऐसे भगवान विष्णु ने विमान में चढ़ा करके वैकुंठ को ले गए। वो भी भक्त गंगा जी का आरती करते हैं, महानंदा का आरती करते हैं, उसका सारे पाप जो है प्रायश्चित जो है धो डालते हैं। एक नंबर टू क्या है, सिलीगुड़ी को स्वच्छ बनाना, नदी को स्वच्छ बनाना हमारे कर्तव्य है, हमारा धर्म है। सभी मिलकर के सिलीगुड़ी वासी इस महानंदा को पूरा सफा रखें। यहाँ पर देवी देवताओं का पूजन होता है, देवी देवताओं को आराधना करें, इससे पूर्ण आपको सभी को लाभ मिलेगा। यही मेरी शुभकामना है। जो भी इस ग्लोबली न्यूज़ को जो देख रहे हैं सारे श्रद्धालु लोग, आप ध्यान करें कि ध्यान करके एक बार महानंदा नदी की जय हो बोलें। वही हमारे सिलीगुड़ी के गंगा जी हैं, वो जाकर गंगा में प्रवाहित हो जाते हैं, इसलिए इनका दर्शन इनका ध्यान से सारे मनोकामना पूर्ण हो जाता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा।